आवाज स्टूडियो प्रेजेंट द गोल्डी शो। ज्ञान न पेलो। जी तो जैसा कि आपने सुना है कि ज्ञान ना पेलो, तो ज्ञान ना पेलते हो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत चर्चित विषय #boycottchinesefood। और इसी विषय पे हमारे साथ चर्चा करने आ रहे हैं एक बहुत, हाँ जी बहुत, बिल्कुल सही सुन रहे हो, बहुत छोटे राइटर। हमारा बेइज्जती करने के लिए बुलाए हैं यहाँ है? साला दिमाग खराब, हम यहाँ बिहार से यहाँ चल के आए बेइज्जती करवाने के लिए? साला खंड चूतिया सब यार। साला बोतली का मंगरू का है। काट देना इसको। तो चलिए उनको बुलाते हैं, मंगरू भैया को। शायद ये टेक्निकल इशू की वजह से हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम वापस बुलाना चाहेंगे मंगरू भैया को। अरे मंगरू भैया, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? आप भूल चुके थे क्या कि हमारे शो में आपका गेस्ट अपीयरेंस है? अरे नहीं जी, अब क्या है कि कल रात को हम ना अब भुजा हुआ चना खा लिए थे, साला पेट सुबह से गुर 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 कर रहा है। आप हम कहा बताए, सुबह से 6 बार पैखाना जा चुके हैं है? लेकिन साला अभी तक ठीक से संतुष्टि नहीं हुआ, अभी मोल अच्छा रहा है, क्या बताए आपको। अच्छा सवाल पूछिए, आपका आपके शो में क्या है? पहला सवाल, पहला एपिसोड है आज, एकदम भाई बढ़िया से किया जाएगा एपिसोड है। अब अभी बिहार से आए हैं हम, आप बताइए पहला सवाल बताइए गोल्डी जी, क्या सवाल है? तो आपकी इस बात को हम छोड़ते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मंगरू भैया, आप जानते हैं कि आज का हमारा जो विषय बहुत चर्चित है #boycottchineseprodukt, तो इस बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए हमारा पूरा समर्थन है, हमें और आपको मिलके चाइनीज प्रोडक्ट को पूरे तरह से मतलब कि बायकॉट करना चाहिए। हमारा पूरा मतलब जय हिंद जय भारत। पहला सो मत कर भाई। मैं इस सत्य के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, जय हिंद जय भारत। सीरियसली व्हाट द फक आर यू डूइंग? वाह 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 वाह, शुक्रिया। अगला सवाल है कि मंगरू भैया, ये जो आप फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी तो चाइना का, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा गोल्डी जी, तो आप भी मतलब उसी में से हैं जो बायकॉट के नाम पे अपना टीवी या मोबाइल फोड़ रहे हैं, उसी में से है का? देखिए आप सबके लिए ना प्यार से एक मेरा संदेश है, मतलब बहुत दिल संदेश है। सालो मरिएगा नहीं, मतलब ठीक है कमी, मरिएगा नहीं। देखिए मेरा कहने का मतलब है कि चाइनीज प्रोडक्ट को बाइकॉट करने के लिए आपको फोन और टीवी फोन नहीं का जरूरत। अबे चूतियों, अबे मतलब फोनने से का पैसा वापस आ जाएगा? अरे आप पैसा दे चुके हैं, चाइना वाला पैसा ले चुका है, अब का आप फोड़ दीजिएगा तो पैसा वापस आ जाएगा? नहीं ना, क्या करना चाहिए, आप उसी को इस्तेमाल कीजिए। भैया आप तो पैसा दे चुके हैं, आपका नुकसान है, तो दिमाग लगाइए, आप उसी को इस्तेमाल कीजिए। हाँ लेकिन एक प्रण लीजिए, देखिए गोल्डी आपसे दिल से बोल रहे हैं, आपको ही बोल रहे हैं, देखिए एक प्रण लीजिए कि जब भी आप कोई अगला प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो साला चाइनीज नहीं होगा, भले ही साला कितना महंगा कहना पड़े इंडियन हमको, लेकिन हम आत्मनिर्भर बनेंगे और सिर्फ इंडिया का प्रोडक्ट खरीदेंगे। मतलब ये प्रण ले लीजिए गोल्डी जी, आप लोग हम कह रहे हैं बायकॉट चाइनीज तो ऐसे मतलब ऐसे लग जाएगा, इंडियन है चाहे जो तो आग लगा दे यार, इंडियन है हम, का तो बात करते हैं चाहे। तांबास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। तो जाते जाते मगरू भैया, हमारा आखिरी सवाल, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमें पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप इस बारे में हमारे देशवासियों को क्या बोलना चाहते हैं? देखिए
जाते जाते गोल्डी जी, हम सबको यही बोलना चाहेंगे, देखिए बिल्कुल हम इंडियन हैं, हम जॉब चाहें आग लगा सकते हैं, हमारे लिए कोई मतलब छोटा काम नहीं है। बाइकोट चाइनीज तो ऐसा है कि हम आज शुरू करें साला एक साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कैसे कि आप प्रण लीजिए कि अगला खरीदेंगे वो इंडियन ही खरीदेंगे। और दूसरी बात, हम बहुत देशवासियों को बहुत ज़्यादा हम ज्ञान नहीं पेलेंगे, लेकिन एक हम देंगे, रात को ना भूजा हुआ चना मत चबाया कीजिए। वो क्या है साला कि अगर खाना भी है तो थोड़ा कम खाइए, अब मिर्ची कम रखिए, वो साला कल रात में हम खा लिए, मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, पेट गुड़ 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 कर रहा है और साला चुरचुरा के पैखाना हो रहा है। मतलब आपसे हम निवेदन करेंगे कि चना मत खाइए रात को भुजा हुआ, कोनो भुजल ज़्यादा तेल मर्चा ज़्यादा नहीं रखिए, इससे पेट खराब होता है। और बाकी तो भैया आप सब बढ़िया है, हम ज़्यादा ज्ञान पी लेंगे नहीं, देखिए पहला शो है गोल्डी जी का, आपको भी मतलब सपोर्ट करना है, हम तो सपोर्ट करने आ गए हैं बिहार से, आपको भी सपोर्ट करना है, बिल्कुल हम ज्ञान नहीं पी लेंगे। अब भैया देखिए गोल्डी जी, हमको समर्थन है, पूरा समर्थन है कि अब की बार एक साल दो साल के अंदर हम बिल्कुल हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। मतलब कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है, लेकिन आत्मनिर्भर हो जाएंगे। देखिए गोल्डी जी, अब लग रहा है, फिर एक बार लग रहा है, देखिए अगर हम आप हमको रोकिएगा आपके शो में फंक देंगे, हम कह रहे हैं, लग रहा है बड़ी जोर से, देखिए लग रहा है हम जा रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं समर्थन कीजिएगा, ठीक है, लाइक कमेंट जो भी कर वो कर दीजिएगा, बाकी हम हगने जा रहे हैं वरना यहीं हगास हो जाएगा। अब निकलते हैं, अब बाबा थाले भूत तो मंगल भैया को किसी काम की वजह से जाना पड़ा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही तुच्छे हम ऐसे ही अच्छे आर्टिस्ट से आपको मिलवाते रहेंगे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और नहीं पसंद आया हो तो कमेंट और शेयर कर दीजिए। लेकिन लाल जी तो हम भी नहीं है, हम भी इतने में काम चला लेते, तो जुड़े रहिए हमारे शो के दी गोल्डी शो से। शक्ल याद रखने का बेटा, निकल गांडू।